नाम मोनालिसा है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपना सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ऑनेस्टली, बहुत सारी चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू मस्ट हैव पीसेज। मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करती हूँ अपनी ज्वेलरी। अगर आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो यू ऑल नो कि मैं ऑलरेडी 3-4 पार्ट इस सिल्वर ज्वेलरी के कर चुकी हूँ। अगेन मैं कर रही हूँ बिकॉज इट वाज हाईली रिक्वेस्टेड। यू गाइज वांटेड टू नो कि जो मैं न्यू ज्वेलरी पहनी थी वो कहाँ से है। सो आई एम गोइंग टू शो यू फ्यू ऑफ देम बिकॉज मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ही लंबी सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन पे वीडियो करा हुआ है एंड उनका मैं ऊपर दे दूँगी। अगर आपको वो भी देखने हैं, यू कैन डेफिनेटली वेलकम टू चेक दोज वीडियोज़ आउट। पहले नेकलेस की जो बात करने वाली वो है ये वाला। जस्ट लुक हाउ गॉर्जियस दिस पीस इज। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स दैट आई गॉट फ्रॉम पानीघर इंडिया। मैंने इनके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया था इन माई होली हॉल आई गेस, येस, तब भी मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ से कुछ सामान मंगवाया है। सो ये मैंने रिसेंटली मंगवाया है। दिस इज़ अ फिश अफगानी चोकर। इस तरीके का चोकर कोई भी एक सिंपल आउटफिट को बहुत ही अमेजिंगली एनहांस कर देता है। आई लव पेयरिंग इट विथ वाइट्स और ब्लैक्स और जस्ट लाइक टुडे मैंने ये एक क्रॉप टॉप पहना है, उसके ऊपर मैंने इसको पेयर किया है। इस तरीके के ज्वेलरी एक नया मैंने लिया है। दिस वन इज़ फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड गहना कलेक्शन। लुक एट दिस पीस। ये मैंने रिसेंटली साड़ी के साथ स्टाइल किया था। दे आर ऑन इंस्टाग्राम सो यू कैन चेक दैट आउट। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है उनकी ज्वेलरी गाइज, सो यू कैन डेफिनेटली चेक द ब्रांड आउट। काफ़ी मुझे अलग लगा ये वाला पीस, सो दैट्स व्हाई आई गॉट इट। नेक्स्ट द अफगानी ज्वेलरी दैट आई हैव इज दिस पीस। इट्स क्वाइट ह्यूज, वेरी वेरी अनयूजुअल। दिस इज फ्रॉम दिस इंस्टाग्राम स्टोर, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट गाइज, दे आर अमेजिंग। इनके पास और भी इतने ज़्यादा ब्यूटिफुल अफगानी विंटेज ज्वेलरी है दैट यू विल बी ऑनेस्टली स्टन्ड। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये वाला एक पीस। दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम दिस इंस्टाग्राम पेज। जस्ट लुक एट दिस पीस गाइज। ये बहुत ही मुझे डिफरेंट लगा था। इसमें चारों तरफ इस तरीके की डिटेलिंग दी हुई है एज यू कैन सी। द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स नॉट चोकर। मैं बहुत ज़्यादा चोकर्स पहनती हूँ तो मैंने यहाँ से ये इस तरीके का लॉन्ग नेकलेस मंगवाया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा विथ प्लेन सूट्स और इवन इफ़ यू वांट टू स्टाइल इट विथ इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स, उसके साथ भी ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ आपको दिखाने वाली हूँ, मैं ऑलरेडी एक बार शेयर कर चुकी हूँ अपने सिल्वर ज्वेलरी हॉल में, बट मैं दोबारा से दिखाना चाह रही थी इज़ दिस पीस। दिस वन इज़ वेरी वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ। दिस इज़ अ मिरर चोकर एंड ये वाला जो है ये एक्चुअली में बाहर आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज अ पेंडेंट यू कैन। एंड दिस पीस इज़ फ्रॉम बॉबल लव। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव ज्वेलरी पीस दैट आई ओन फ्रॉम बॉबल लव। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये वाला पीस एंड आई लव इट। चोकर्स लाइक दीज विल जस्ट एनहांस योर आउटफिट्स इन like a second and I just love this one. Like I love chokers, you guys know it. जो next piece मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये वाला। This one is from Regalia Ornaments and ये Instagram page है। This one is budget friendly guys and Regalia के सारे jewelry काफ़ी budget friendly होते हैं। So if you are looking into investing something like this but on a budget you can definitely check out Regalia. Now जो मैं और थोड़े से necklaces की बात करने वाली हूँ वो है ये वाले जो बहुत ज़्यादा आजकल मैं gravitate हो रही हूँ है इस तरीके के चोकर। ये पर्ल डिटेलिंग वाली चोकर है। ये वाला जो चोकर है ये मैंने गहना कलेक्शन से लिया था। दे आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। आई लव इट। इसका काम बहुत ही बारीक है, बहुत सुंदर है। द बेस्ट पार्ट इज गहना कलेक्शन इज अगेन बजट फ्रेंडली। नेक्स्ट जो मेरे पास है नेकलेस वो है इस तरीके का एडी टोन नेकलेस। दिस वन इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड ओरेलिया ज्वेलरी। दे आर ऑन इंस्टाग्राम। इनका जो इयरिंग था ना वो मेरे से गलती से गिर गया नीचे, तो वो टूट गया। दैट वॉज अ बम्बर बट ऑनेस्टली इसको पहनने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दिस इज़ सो स्मॉल एंड इट जस्ट फिट्स माई नेक सो परफेक्टली। आई लव्ड इट। पहले जो मैंने देखा था तब मुझे समझ नहीं आया था बट जब मैंने पहना इट लुक्ड रियली रियली गुड ऑन मी। मैं बात करने वाली हूँ कुछ इयरिंग्स की। सो जो पहला इयरिंग है वो है ये वाले इयरिंग्स गाइज। यू हैव ऑलरेडी सीन मी वेयरिंग दिस सो मेनी टाइम्स। ये वाला जो इयरिंग है ये पानीगढ़ इंडिया से है। मैंने ये आपको होली वाले हॉल में भी दिखाया था। सो नथिंग मोर, जस्ट लुक एंड अप्रिशिएट दिस ब्यूटी। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ वो है झुमकाज। ऑनेस्टली झुमकाज में तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट इफ़ यू आर स्टार्टिंग विथ योर सिल्वर ज्वेलरी। मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके के झुमकाज दिखाने वाली हूँ। इस तरीके के जो झुमकाज है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। पोल की डिटेलिंग विथ पर्ल डिटेलिंग गोज़ अ लॉन्ग वे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं विथ इंडियन आउटफिट्स और मैंने इनको बहुत बारी स्टाइल करा है। एंड ये अमेजोन पे भी बड़ी इजीली मिल जाएगा बट आई गॉट इट ऑफ सम इंस्टाग्राम स्टोर विच आई डोंट रिमेंबर। जो मेरे पास और डिफरेंट तरीके के झुमके जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये वाले। दीज आर वेरी लाइक मेटल फिनिश झुमकाज, आई लव इट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगता है विद अ सिंपल पेयर ऑफ कुर्ता एंड जीन्स इफ़ यू आर वेयरिंग, एंड जस्ट वेयर दीज झुमकाज एंड यू विल बी गुड टू गो। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरीके के झुमके। एंड दीज आर फ्रॉम काल्की एंड दे आर ऑन इंस्टाग्राम, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यही इसी सेम ब्रांड से जो मेरे आजकल के सबसे ज़्यादा फेवरेट झुमकाज है गाइज वो है ये वाले। दीज आर सो टाइनी, जस्ट लुक एट देम एंड आई लव इट बिकॉज ऑफ द डिटेलिंग ऑन दिस झुमका। जस्ट लुक हाउ गॉर्जियस दे आर। ये थोड़ा सा ब्लैक टोन सिल्वरिश में है एंड दिस गोज विथ अ लॉट ऑफ माई इंडियन आउटफिट्स। सो दोज वर फॉर द झुमकाज। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विच आर वेरी वेरी बजट फ्रेंडली और I guess 150 के अंडर you can probably get your hands on the same. So the first one है वो ये वाले हैं। इस तरीके के झुमकाज बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल। these are mirror झुमकाज, बहुत easily 150 और 130 के अंडर मिल जाएगा आपको और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। they make a statement, you can just wear it with any of your suits, sarees और even for that matter you can actually pair it with your like light lehengas, उसके साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसी तरीके के मिलते जुलते झुमकाज हैं जो बहुत बजट फ्रेंडली हैं आर दीज। ये भी उसी 150 100 के रेंज में एंड ऑनेस्टली दे लुक सो ब्यूटीफुल। अब मैं बात करूँगी अबाउट द हैंडकफ्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू इन्वेस्ट इन हैंडकफ स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग योर सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन। सो मैं कुछ दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट है इज़ दिस कड़ा। दिस वन इज़ फ्रॉम अगैन वन इंस्टाग्राम स्टोर, उनका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। इस तरीके का कड़ा कोई भी एक आउटफिट को बहुत ईजीली एनहांस कर देता है लाइक द वंस दैट आई एम वेयरिंग। दिस वन इज़ फ्रॉम जयपुर इंडिया। बहुत बारी ये वाला मुझसे पूछा जाता है कहाँ से है, काफ़ी पुराना है ये अब। दिस वन इज़ फ्रॉम ट्राइब बाय आम्रपाली एंड दिस वन इज़ दिस राइट हियर। दिस वन इज़ फ्रॉम रेगालिया ऑर्नामेंट्स। ये मुझे एक साथ वेयर करना बहुत पसंद है और ये वाला जो रिंग है आई बॉट इट ऑफ लाइक लोकली जनपद मार्केट में मैंने लिया था। आई गेस 10 साल हो गए मेरे को इस रिंग को एंड आई स्टिल हैव इट एंड इट स्टिल लुक्स एग्जैक्टली न्यू एंड स्टिल लुक्स रियली रियली नाइस। बहुत टाइम से मैं इस तरीके के बैंगल्स भी ढूंढ रही थी तो फाइनली आई गॉट देम। बहुत ही ईजी हो जाता है यू नो आपके हैंड्स को स्टाइल करना व्हेन यू हैव सिल्वर बैंगल्स लाइक दीज, यू कैन जस्ट वेयर इट। मैंने बहुत सारे स्टैकिंग भी करके दिखाया था इंस्टाग्राम पे इफ़ यू रिमेंबर। सो या आई कीप स्टैकिंग देम विथ डिफरेंट कड़ाज। और जो मेरे पास हैं वो है ये वाले कड़ाज। ये वाला जो कड़ा है ये अगैन बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। इस अगैन द मिरर वर्क जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और ये जो दो कड़ाज हैं दीज आर लाइक माई फेवरेट कड़ाज। दिस वन इज़ फ्रॉम ओशरी, लव इट। मुझे ये बहुत पसंद है। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव बट टोटली वर्थ इट। एंड अगैन दिस वन इज़ अगैन आई गेस फ्रॉम कल्की एंड या these were my kadas. Now about the rings, जो recent rings मैंने लिए हैं वो है ये वाला। This one is from Silver Slay, they are on Instagram. I love this ring so much. ये मेरे पूरे ऐसे हाथ को भर देता है, मुझे ये बहुत पसंद है। I just love it. नेक्स्ट जो रिंग है मेरे पास वो है ये वाला। दिस वन अगेन आई गॉट इट ऑफ रिगालिया ऑर्नामेंट्स। काफ़ी पुराना हो गया ये अभी, आई गेस 1 साल या 7-8 महीने तो हो चुके हैं मुझे इसको। ये अभी भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स पे भी ये अवेलेबल है। नाउ जो मैं दिखाने वाली हूँ उनमें से कुछ भी इंस्टाग्राम स्टोर पे नहीं अवेलेबल। दिस वन राइट हियर इज़ फ्रॉम H&M। येस, कैन यू बिलीव इट? वेट, आई एम जस्ट गोना शो यू। ये वाला जो रिंग है ये वाला H&M से मैंने लिया था, काफ़ी पुराना हो गया है, आई गेस 2 साल पुराना है एंड इसका कलर अभी भी मेंटेन है, आई डोंट नो हाउ। एंड अनदर वन दैट इज़ अगैन फ्रॉम H&M इज़ दिस वन। जस्ट लुक एट इट। मैं ये बहुत पहनती हूँ, इसका लेकिन कलर बिल्कुल ही निकल गया है। इस तरीके का एक और रिंग भी है मेरे पास, बहुत बारी मैं स्टाइल करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा वो वाला रिंग एंड आई ऑनेस्टली जस्ट लव इट सो मच। एंड द लास्ट वन इन दिस ज्वेलरी वीडियो is this one, like look I love this ring so much. इस तरीके के rings I guess अब नहीं मिलते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन स्टोर से नहीं लिया था मैंने, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड ये मैंने लिया था फ्रॉम जनपद मार्केट फॉर जस्ट 150 और 200 रुपीज़ एंड ये तब की बात है आई गेस। ये मेरे पास अगेन जस्ट आई गेस 10 ईयर्स मैंने बोलना, ये भी मेरे पास 7-8 सालों से है एंड आई जस्ट लव इट सो मच। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप कि आपको थोड़ा सा इंसाइट मिला हो कि किस तरीके से आप अपना सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन बना सकते हो। बहुत ही लिमिटेड पीसेस चाहिए होते हैं, बहुत सारा नहीं इन्वेस्ट करना होता टू क्रिएट वन कलेक्शन। आई एम इन दिस फील्ड, आई एम इन दिस स्टाइलिंग फील्ड, दैट्स व्हाई आई कीप ऑन बाइंग स्टफ टू शो यू गाइज। यू नो, अगर मैं एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब वाली लड़की होती तो डेफिनेटली मुझे इतने सारे ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैंने ये वीडियो बनाया है बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू वांटेड टू सी व्हाट ऑल आई हैव एंड अ लॉट ऑफ यू वांटेड टू नो कि मैं कहाँ से ज्वेलरी खरीदें। सो दैट इज़ इट। आई रियली होप दैट यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आई रियली होप कि आपका जो सिल्वर ज्वेलरी वाला कीड़ा अभी है अंदर, वो अब निकल के बाहर आए एंड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सम गुड पीसेस। डू नॉट ओवर स्पेंड योर मनी and yeah, that's it for this video guys. I really hope that you enjoyed watching this video. If you did, please like, share and subscribe to my channel. Hit that bell notification because whenever I post a new video you will get notified, and I hope that you enjoyed that video too, and I'll see you in my next one. Bye bye, love you all so much.